Hello everyone, I Deepak Balara welcomes you all on our YouTube channel. आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर एक कामयाब इंसान बने, ताकि आने वाले जीवन की समस्याओं का सरलता से समाधान किया जा सके. लेकिन कितने माँ बाप का ये सपना साकार हो पाता है? शायद कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जिनके ये सपने अधूरे रह जाते हैं. इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शुरुआत में तो सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती जाती है, उनकी कुछ सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है. इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है स्टूडेंट को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ ना आया हो, या फिर स्टूडेंट्स ने घर जा के मेहनत ना की हो, या फिर कुछ स्टूडेंट का अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं. पूर्वाग्रह मीन्स माइंड सेट कर लिया जाता है. अक्सर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के प्रति पूर्वाग्रह वाली समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है. अगर माइंड सेट पूर्वाग्रह की एक एग्जाम्पल की बात करें, तो सर्कस का हाथी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है. अगर हम देखें, हाथी के बच्चे को शुरुआत में एक मजबूत खूंटे से बांधा जाता है. हाथी का बच्चा खूंटे को उखाड़ने की भरपूर कोशिश करता है, हर रोज़ कोशिश करता है, लेकिन कभी उखाड़ नहीं पाता. आखिर एक दिन हाथी का बच्चा अपना माइंड सेट कर लेता है कि वो कभी उस खूंटे को उखाड़ नहीं पाएगा, और हाथी बड़ा हो जाता है. बड़ा होने के बाद भी हाथी को सर्कस के अंदर एक छोटे से खूंटे से बांध दिया जाता है, और इतनी ताकत होने के बावजूद हाथी उसी खूंटे से बंधा रहता है, कभी उसको उखाड़ नहीं पाता. सेम ऐसी ही कंडीशन हमारे स्टूडेंट के साथ है, जो मैथ्स को लेकर उनकी यही समस्या बनी हुई है. स्टार्टिंग स्टेज में उनको मैथ्स इजी लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा लेवल बढ़ता है, उनको मैथ्स मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है. हो सकता है वो कम प्रैक्टिस करते हों, लेकिन मैं स्टूडेंट को यही मैसेज दूंगा कि बेटा, मैथ्स एक ईजी सब्जेक्ट है, डेली लाइफ में यूज होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. हम मैथ्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स हमें कभी नहीं छोड़ेगा. पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दें, उनसे शेयर करें बातें, उनसे पूछें कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने के पीछे क्या वजह है. क्या उन्हें टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता, या वो रेगुलर मेहनत नहीं कर रहे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो. चलिए, कारण कुछ भी रहा हो, हमारा चैनल बनाने का मेन पर्पज यही है कि पेरेंट्स की कॉमन समस्या जो मैथ्स को लेकर है, उसे दूर किया जाए, और जो स्टूडेंट मैथ्स से दूर भागते हैं, वो स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ मैथ्स को पढ़े और अच्छा स्कोर करें, और अपने पेरेंट्स की चिंता दूर करें. एट लास्ट आई विल से यू बिलीव इन योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.